अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आपको बताने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में भारी बारिश के कारण यहाँ पर जो जंगलों में आग लगी थी वो तो बुझ गई, जिस वजह से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बारिश की वजह से काफी बढ़ गई। क्योंकि अल्मोड़ा में बादल फटने की भी घटना सामने आई है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने की वजह से उठे सैलाब और मलबे ने भारी नुकसान भी पहुंचाया है। देखिए रिपोर्ट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। दोपहर बाद अल्मोड़ा में मौसम ने मिजाज बदला और बारिश शुरू हुई, जो लगातार जारी है। अल्मोड़ा में बह रहे इस सैलाब को देखिए, उफान मारता पानी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बादल फटने की घटना के बाद नाला सैलाब बनकर सब कुछ तबाह कर देने पर उतारू नजर आ रहा है। अल्मोड़ा में हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। दावा किया जा रहा है कि सोमेश्वर में बादल फटने की वजह से कई घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया, जबकि कुछ दुकानें और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं कई जगह मलबे में गाड़ियों के फंसी होने की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ कपकोट और गरुड़ में बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार जारी जबरदस्त बारिश से नदी नाले उफना गए हैं। कपकोट में तो बारिश के साथ जबरदस्त ओले गिरने से फसल भी चौपट हो गई है, तो वहीं जंगल से बकरी चराकर घर लौटते वक्त आकाशीय बिजली गिरने से गोगिना में 100 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। बारिश अभी भी लगातार जारी है।